सो गाइज, अभी ना फिलहाल मैं सोच रहा था कि कुछ कैश लेके आना था मेरे को एटीएम से। एंड कोविड-19 से बचने के लिए एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि जब भी हम नोटों को हाथ लगाएं तो जस्ट उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करें और ज़्यादा टाइम तक उनके टच में ना रहें, क्योंकि करेंसी नोट जो हैं वो काफ़ी सारे लोगों के हाथों से इधर से उधर होते रहते हैं, तो उनमें वायरस होने के चांसेस काफ़ी हद तक रहता है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, कम से कम कैश का भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैश की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि जिन जगह पर कैश चलता है वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल एटीएम जा रहा था कैश निकलवाने के लिए। तो आप भी जब एटीएम वगैरह से कैश निकालते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आप सेफली ट्रांजैक्शन कर पाएं। पूरे दिन भर में एटीएम मशीन पे काफी सारे लोग आते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कोई कोरोना पॉजिटिव वाला बंदा वहां पे आया हो और उसने वहां पे वो बटन्स जो हैं उनको टच किया हो, और वहीं जाके हम वहां पे ट्रांजैक्शन करते टाइम उसी चीज को हम अपने हाथों से प्रेस करेंगे। वायरस का ट्रांसमिशन इसके जरिए हो सकता है, तो इससे बचने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। आप भी उन्हें फॉलो करके इस चीज से बच सकते हैं। तो चलते हैं अब फिलहाल जल्दी से फटाफट से एटीएम। एंड एटीएम जाने से पहले दो चीज़ें अपने साथ जरूर कैरी कीजिए, एक तो हैंड सैनिटाइजर नॉर्मल वाला या फिर स्प्रे वाला। अगर स्प्रे वाला हैंड सैनिटाइजर अगर आप लेके जाते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा, और उसी के साथ एक आपको चाहिए प्लास्टिक बैग। सो दोनों चीज़ें अपने साथ कैरी करेंगे, और इनका जो यूज़ है वो किस तरीके से हम करेंगे वो अभी आपको वीडियो में देखने के लिए मिलने वाला है। सो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि एक भी स्टेप आप अगर इसमें मिस करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि वायरस इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड जो प्लास्टिक बैग है उसका जो साइज़ है वो कुछ इस तरह का आप ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं, और छोटा तो अगर इससे लेंगे तो प्रॉब्लम आने वाली है। और एक लेंगे हम स्प्रे बोतल हैंड सैनिटाइजर की, तो इन दो चीज़ों की हेल्प से हम ट्रांजैक्शन करेंगे सेफली। तो चलिए चलते हैं एटीएम की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम जो अपना हैंड सैनिटाइज़र है उसे स्प्रे करेंगे मशीन के कीपैड पे और स्क्रीन पे, ताकि जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो क्लियर हो जाए। वैसे तो जब एटीएम में एंटर करते हैं तो बाहर पर्सन बैठा होता है वो हैंड सैनिटाइज़र हमें अवेलेबल करवा देता है, बट उसके अलावा खुद के बेस पे भी हमें सेफ्टी रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ट्रांजैक्शन, तो उससे पहले मैंने ये जो पूरा मशीन है जहाँ जहाँ मैं टच करूँगा उसको सैनिटाइज़ मैंने कर लिया है। और सेकंडली, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके मत देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो पासवर्ड वाला पार्ट है वो इसमें से कट कर दिया है, तो आपको ऐसा भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। एंड फाइनली हम इसके अंदर अमाउंट अपना फिल करके और निकालते हैं कैश। और अब इस पॉइंट पे हमने जो अपने साथ प्लास्टिक बैग लिया था उसे अपने हाथ पे कवर करके अच्छी तरह से, और उससे हम कैश को पकड़ेंगे। तो अंदर से जैसे ही कैश बाहर आता है तो हम डायरेक्ट उसे हाथों से टच नहीं करेंगे, इस पॉलीथीन के अंदर उसे इस तरीके से ऐसे कलेक्ट कर लेंगे ताकि इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना रहे। सो गाइज, इतना कुछ करने के बाद जो फाइनली कैश हमें वहाँ से मशीन से मिलता है, तो उसको अपने हाथों से टच ना करते हुए हम उस पॉलीथीन बैग को एज अ ग्लव यूज़ करके और उसी की हेल्प से फिर नोटों को पकड़ेंगे, तो इससे काफ़ी हद तक चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके बाद उन पैसों को आप उसी पॉलीथीन में रखिए जब भी उन्हें यूज़ करते हैं, यानी किसी को अगर देना है या फिर कहीं भी कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं उस टाइम उससे निकालिए, उन्हें अपने वॉलेट वगैरह में या पर्स में ना डालिए। उससे क्या रहता है कि वो जो उसमें जो बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं वो आपके वॉलेट में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, तो उनको पॉलीथीन के अंदर ही रखिए, और जब भी उन्हें टच करते हैं तो टच करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोइए या फिर सैनिटाइज जरूर करिए। सो ये वाला आइडिया मेरे माइंड में तभी आया जब मुझे जरूरत पड़ी कुछ कैश की, एंड मेरे को लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस तरह का कुछ भी कंटेंट अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि इन्फॉर्मेटिव होगा आप सबके लिए। होप सो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन फ्यूचर भी काफी सारे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ, सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए RC17 व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। आपसे मुलाकात होगी फिर एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।